हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई दे रही हूँ? गुड इवनिंग एवरीवन, फटाफट से बता दें द कमेंट सेक्शन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? क्या मैं आप सभी को सुनाई और दिखाई दे रही हूँ, यस और नो? हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑल राइट, सो आई होप दैट आई एम परफेक्टली ऑडिबल एंड विजिबल। प्रणाम जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी? सो आई होप यू गाइस आर डूइंग सुपर डुपर फैंटास्टिक। फटाफट से आ जाओ बच्चे पार्टी, बिकॉज आज हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, आपकी पोम चाइल्डहुड। चलो जी, फटाफट से एक बारी सारे मेरे क्यूट क्यूट से सीनियर्स आ जाओ, आ गए? चलो भाई, तो आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं बच्चा पार्टी? आज की क्लास में हम लोग चाइल्डहुड, आपकी जो पोम है, उसे कंप्लीटली फिनिश करने वाले हैं, ठीक है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार इतनी लाइट्स हैं, कहीं मैं अंधी ना हो जाऊं, चश्मा पहन लेती हूँ। अच्छा, ऑल राइट, हाँ जी, चलिए। तो आज हम लोग चाइल्डहुड पोम करेंगे वन शॉट में, ठीक है? वन शॉट में हम लोग आपकी पोम को बच्चे फिनिश करेंगे। साथ ही साथ हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। इसी के साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो यानी कि ये पोम ओवरऑल हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है? ओवरऑल हम लोग इस पोम को खत्म कर देंगे फॉर योर एग्जाम्स, ताकि आप लोगों को दोबारा इस पोम के लिए चिंतित ना होना पड़े या परेशान ना होना पड़े, ठीक है? कैसा लगा सुन के? अच्छा, कितने यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम होती है कि तान्या मैम तो ना बस क्लास टेंथ पे ही ध्यान दे रही है? ऐसी सोच रखने वाले कितने बच्चे हैं यार, जरा बता दो इलेवेंथ वालों। हाँ भाई बता दो, मैम आप बिल्कुल मम्मी की तरह हूँ, उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ ना तो उन्हीं पे जाऊंगी मैं हाँ जी, जल्दी जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी। ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता है आपको? भाई देखो, तुम लोग भी पिछले साल टेंथ में थे, ठीक है? मैं तुम लोगों को बता दूं, तुम लोग भी पिछले साल टेंथ में थे, और तुम्हें पता है कि पिछले साल मैंने तुम लोगों की भी कितनी मैराथन्स ली हैं, राइट और रॉन्ग, है ना? तुम्हें आठ आठ घंटे पढ़ाया है मैंने, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, बोलो यस और नो? तो भाई वो बच्चे भी बेचारे अभी टेंथ में हैं, है ना? तो उनकी भी मैराथन्स लूंगी ही मैं। और क्लास इलेवेंथ आपके सारे चैप्टर्स बेटा मैंने यहाँ पर डाल रखे, ठीक है? कहीं आपको लगता हो कि मैम हमारे चैप्टर्स नहीं डाल रही है, तो आपके सारे चैप्टर्स मैंने चैनल पे डाले हुए हैं, आप एक बार ही जाकर आपको देखने की जरूरत है, ठीक है? हाँ देखो, शिवम यादव को याद है लास्ट ईयर 20K वॉचिंग, 20K वॉचिंग आपके सेशन की पढ़ाया है ना आपको, तो उन बच्चों का भी भाई पहली बार बोर्ड का पेपर है बच्चों, तो उनकी मैराथन लेना ऑब्वियसली जरूरी है। तुम लोग तो क्लास में भी नहीं आते हो, वो लोग एटलीस्ट क्लास में तो आते हैं, तुम देखो 50 बच्चे क्लास में आते हो तुम, हाँ? और तुम्हारे लिए मैं हर चैप्टर डालती हूँ, डिस्कवरिंग ट्यूट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, हर चैप्टर मैंने डाल रखा है तुम लोगों के लिए, ठीक है? तो तुम लोग प्लीज चैनल पे जाके देखो हर एक चैप्टर, चाहे वो आपकी हॉर्नबिल बुक हो, स्नैपशॉट बुक हो, दोनों बुक्स के चैप्टर्स मैंने डाल रखे, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मदर्स डे, द एड्रेस, पोस्टर मेकिंग, है ना, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, डिस्कवरिंग ट्यूट, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इसके बाद आपकी ये फोटोग्राफ पोम हो गई, लेबरनम टॉप हो गया, जितने चैप्टर के नाम याद आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ, सब डाल रखा है मैंने, ठीक है? तो खफा होने से पहले जरा देख लिया करो। चलो फटाफट से हम इस अमेजिंग सी पोम को शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज क्लास को लाइक और शेयर कर देना जितने भी बच्चे क्लास में हैं। एंड लेट्स बिगिन क्लास 11th चाइल्डहुड। अब यार देखो, चाइल्डहुड एक ऐसा फेज होता है ना जो कभी वापस नहीं आता। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारे मन में होता है यार हम बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं।
अब जब हम बड़े हो जाते हैं तो भाई मेरा तो मन करता है मैं वापस स्कूल चली जाऊं, ठीक है। तो मार्कस नीटन ने इस कविता को लिखा है, नॉर्वे से वो बिलोंग करते हैं, एंड यहाँ पर वो जो हमारा चाइल्डहुड खो गया है ना उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं कि ये जो फेज है ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है बच्चे पार्टी, ऑल राइट। आप मेरा कमेंट नहीं देखते बेटा, प्रतिभा में सबका कमेंट देखते हैं, ठीक है। चलिए, सो चाइल्डहुड इज रिटन बाय मार्कस नीटन। इन दिस पोम जो पोएट है ना वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में सोच रहे हैं बच्चों, ठीक है, अपने बचपन के बारे में सोच रहे हैं। कौन सा बचपन? वो बचपन बेटा जो खो चुका है। वो ये सोच रहे हैं कि भाई वो कौन सा क्षण था, वो कौन सा मोमेंट था जब मैंने मेरा बचपन खो दिया, ठीक है। अब अगर मैं भी बैठ के सोचूं, या अभी आप लोग भी इनफ मैच्योर हो, अगर आप लोग भी बैठ के सोचो कि यार वो कौन सा मोमेंट था जब मेरा बचपन चला गया, है ना, तो आप लोग भी सोच में डूब जाओगे कि वो कौन सा मोमेंट था कि यार अब हम छोटे नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए, राइट। तो इसी बारे में पूरी कविता में पोएट बात करते हैं कि भाई वो कौन सा मोमेंट था जब उन्होंने अपनी इनोसेंस खो दी एंड ये रियलाइज किया कि वर्ल्ड, ये जो दुनिया जैसी दिखती है ना वैसी है नहीं, है ना। ये दुनिया आपको बाहर बाहर से तो बहुत प्यारी लगेगी, बट जैसे आप इसके अंदर जाओगे, ज्यादा आप लोगों में घुसोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया पूरी की पूरी अलग है। ही रिकॉल्स, वो याद करते हैं कि कब उनके थॉट्स चेंज हुए, वो याद करते हैं कि कब उन्हें लोगों की जो हिपोक्रेसी है वो समझ में आने लगी। उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो लोग हैं ना जो बहुत ही ज्यादा लविंग दिखते हैं ये एक्चुअल में बच्चे लविंग नहीं है। He finally settled down to the idea that his childhood went to some forgotten place, and वो finally इसे accept कर लेते हैं कि शायद मेरा बचपन किसी ऐसी जगह पे चला गया है जो मैं नहीं पता लगा सकता, and अब वो अपने बचपन को कहाँ देखते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा हुआ, है ना, इन्फेंट हो गया, जो बोलते हैं ना बच्चे भगवान का रूप है क्योंकि वो भोले होते हैं, उनमें इतनी चलाकबाजी नहीं होती, तो वो किसी भी छोटे बच्चे को देख के समझ लेते हैं, अपने बचपन को वही ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा जी हम आज की क्लास में करने वाले हैं इस पोम के अंदर। तो यहां से आपकी कविता शुरू हो रही है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है, When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Now what is the meaning of ceased? Ceased मतलब होता है एक एंड पे आ जाना, ठीक है, ceased मतलब बेटा एक एंड पे आ जाना, ठीक है। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day? अब बच्चों इन पर्टिकुलर लाइंस में बात क्या हो रही है उसको समझने की कोशिश करो। मैंने फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग नीचे यहां पर बॉक्स में लिख दिया है कि ऊपर क्या बात हो रही है। सो इन द अबव लाइंस जो पोएट है ना वॉन्डर्स, यानी वो सोचते हैं कि भाई उनका चाइल्डहुड कब खत्म हो गया। वो खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वो दिन था जब वो 11 साल के नहीं रहे, यानी कि जब वो 11 साल से आगे की एज में आ गए, है ना, कि भाई सीज मतलब रुक जाना, 11 साल का होना रुक जाना, कि क्या वो दिन था जब उन्होंने अपनी वो वाली एज क्रॉस कर ली कि उनका चाइल्डहुड खत्म हो गया, या फिर वो दिन था कि उन्हें रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन, लोग बोलते तो है कि स्वर्ग है नर्क है, हेल है हेवन है, बट किसी भी बुक में, ज्योग्राफी बुक्स में ये दोनों प्लेसेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या वो दिन था, ठीक है। एंड येट कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी और ऑन द मैप, ही रियलाइज दैट दीज आर इमेजिनरी प्लेसेस दैट एक्चुअली डू नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। समझ में आ रहा है बेटा? सो ओवरऑल यहां पर बात चल रही है कि भाई वो कौन सा दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया, क्या वो दिन था जब मैं 11 साल का नहीं रहा, मेरी उम्र बढ़ गई, या वो दिन था कि जब मुझे रियलाइज हुआ कि हेल और हेवन तो एक्चुअल में है ही नहीं, ना ज्योग्राफी बुक्स में है ना मैप में है, ठीक है। एंड क्या वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया और मैं बड़ा हो गया। Got it? इतना सभी को समझ में आया? Yes or no? जल्दी से बता दो। Moving on to the next stanza. When did my childhood go? Was it the time I realized adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love. Preached मतलब बातें करना, है ना, आगे अपनी teachings देना, अपना ज्ञान देना, but did not act so lovingly. Was that the day? तो अब वो इस पर्टिकुलर स्टैंजा में बच्चों क्या बोल रहे हैं,
इस पर्टिकुलर स्टैंजा में बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं सेम क्वेश्चन कि भाई मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया, है ना, व्हेन, कि मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया, क्या वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज हुआ, जब मैंने इस वर्ल्ड को एक नए परसेप्शन, एक नए नजरिए से देखना शुरू किया कि ये जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी अडल्ट्स हैं, वो कौन है, हिपोक्रेट्स हैं, ठीक है, वो जितना लविंगली दिखाते हैं, जितना प्यार भरा खुद को दिखाते हैं, वो एक्चुअल में उतने प्यारे नहीं हैं, ठीक है. द अडल्ट्स हु टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव नेवर बिहेव्ड सो लविंगली. दे आर डबल फेस्ड इन रियलिटी, की एक्चुअल में लोग डबल फेस्ड है. Was that the day when his childhood go? क्या वो दिन था जब मेरा childhood चला गया? समझ में आ रहा है बेटा जी? Yes or no? So यहाँ पे यही लिखा है कि कब मेरा childhood गया? क्या वो दिन था जब मुझे realize हुआ कि भाई adults जैसा खुद को दिखाते हैं वो वैसे है नहीं, वो प्यार की बातें करते हैं, ठीक है, बट इतने लविंगली वो खुद नहीं है, दे आर डबल फेस्ड, बोलते कुछ है करते कुछ है लोग, तो क्या वो दिन था जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसी दिन मेरा चाइल्डहुड चला गया. नेक्स्ट देखो बेटा, When did my childhood go? दोबारा से सेम क्वेश्चन यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि भाई मेरा चाइल्डहुड कब खत्म हो गया. Was it when my mind was really mine? To use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? अब यहाँ पर देखो stanza में क्या बात हो रही है. लिखा है तीसरे stanza में poet क्या करता है? Same question deliberately पूछ रहा है. है ना, उसे पता है कि वो बार बार एक ही thought पे focus कर रहा है. But बच्चों वो same question यहाँ पे हमसे दोबारा पूछ रहा है. ठीक है, बोल रहा है कि भाई कहाँ गया मेरा childhood? क्या वो दिन था? अब वो पॉसिबिलिटीज लगा रहा है ना, अपने मन से सोच रहा है, अपने अंदर ही अंदर सवाल कर रहा है और पॉसिबिलिटीज लगा रहा है. वो सोच रहा है कि क्या वो दिन था कि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा दिमाग मेरा खुद का है और मैं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूँ. यानी कि क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ, है ना, कि मुझे बड़ों की राय लेने की जरूरत नहीं है, या जरूरी नहीं है कि बड़े अपना डिसीजन मेरे पे थोपे, मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ. तो मुझे जिस दिन ये रियलाइज हुआ, क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड चला गया, ठीक है, when he realized that he could produce his own thoughts which were not bound by anyone, when he sensed his own individuality and a separate personality. तो वो बोल रहा है क्या वो दिन था जब मुझे रियलाइज हुआ. क्या होता है कि बच्चों जब हम छोटे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली मम्मी पापा हमारे लिए सारे decisions लेते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट, वही हमारे, तो हमें लगता है कि हाँ सही है सही है. बट लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हमें रियलाइज होता है कि हाँ डिसीजन ऑब्वियसली वो ले सकते हैं, बट हम एक अलग इंडिविजुअल है ना, अपनी एक अलग पहचान है, एक अलग इंसान है हम. तो वो बोल रहे हैं क्या वो दिन था जब मुझे ये इंडिविजुअलिटी का रियलाइजेशन हुआ, क्या मैंने तब अपने बचपन को खो दिया. वॉज दैट द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. नेक्स्ट वो बोल रहे हैं Where did my childhood go? अब देखो तीनों स्टैंजा में when, when, when था. When did my childhood go? Last स्टैंजा में वो क्या बोल रहा है बेटा? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. Infant मतलब एक newborn baby, ठीक है, बिल्कुल newborn baby को बोलते हैं. So यहाँ पर बेटा क्या लिखा है देखो, last स्टैंजा में poet क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहां चला गया, है ना, कहां है, कहां वो. अब वो फाइनली इस कंक्लूजन पे पहुंचा है कि उसका चाइल्डहुड कहीं अलग जगह चला गया है, कहीं फॉरगॉटन प्लेस पे चला गया है बच्चों उसका चाइल्डहुड, जो वापस अब नहीं आएगा. तो वो अपनी इनोसेंस को याद करता है कि यार बचपन में ना सब सॉर्टेड होता है. और बच्चों ये रियलिटी है, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था यार बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ बड़े हो जाओ, है ना, कोई रोक टोक नहीं है, ये है वो है. बट अब जेन्युइनली लगता है कि स्कूल जाने का चांस दोबारा मिल जाए, क्योंकि एक इनोसेंस थी, है ना, इतने ना तो इतना पॉलिटिक्स होता था लाइफ में, ऑफिस में, है ना, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप बहुत बहुत ज्यादा आप साफ दिल के होते हो तब, राइट. बट अगर आप बड़े होकर साफ दिल के होते हो फिर लोग आपका फायदा उठाते, तो इट्स लाइक इतना सब बड़े होकर झेलना पड़ता है. बट बचपन इज फुल ऑफ इनोसेंस. तो वो यही बोल रहा है कि भाई जो इनोसेंस थी ना वो अब खत्म हो चुकी है, और वो इनोसेंस केवल एक नए बॉर्न, एक न्यू बॉर्न बेबी के फेस में आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना.
तो उसके पास अपनी चाइल्डहुड की केवल स्वीट मेमोरीज हैं जो अब धीरे धीरे फेड हो रही हैं, एंड वो ये मैसेज भी कन्वे कर रहा है दैट इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड स्टेज टिल द टाइम वन इज इन्फेंट एंड दैट इज ऑल ही नोज, कि जब तक एक बच्चा छोटा होता है सिर्फ तभी तक इनोसेंस रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी लाइफ से इनोसेंस जाती रहती है। क्लियर हो गया सभी को? एक बारी मुझे फटाफट से बता दीजिए, इज दिस पोम क्लियर? कोई भी स्टैंजा है जो क्लियर नहीं है तो बता देना, ठीक है? चलिए तो अब आ जाते हैं हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस पे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। रैशनलिज्म इस कविता में यूज हुआ है। रैशनलिज्म क्या होता है? बेसिकली रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल थॉट, ठीक है, लॉजिकली किसी चीज को सोचना। सो रैशनलिज्म क्या होता है बेटा, देखो, द पोएट रैशनलाइजेस द लॉस्ट चाइल्डहुड व्हेन ही वाज 11 एंड व्हेन ही फाउंड आउट दैट हेल एंड हेवन डोंट एग्जिस्ट एंड आर नॉट फाउंड इन ज्योग्राफी। ये लाइंस भी दे रखी है। कहने का क्या मतलब है कि वो अपने लॉजिकल थॉट्स का इस्तेमाल कर रहा है ये रियलाइज करने के लिए, ये एहसास करने के लिए कि अब उसका चाइल्डहुड जा चुका है, है ना? और हेल और हेवन तो एक्चुअली में कहीं पर मैप पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये सब उसे कैसे पता चला? अपने लॉजिकल थॉट से, अपने दिमाग से। एंड हेंस रैशनलिज्म हैज बीन यूज्ड इन दिस पोम। इज इट क्लियर बेटा? माही त्यागी एक तरीके से आप डबल फेस्ड बोल सकते हो, है ना? दो मुंह है लोग, के किसी के मुंह पे किसी के, किसी के मुंह पे किसी के। ओके, नेक्स्ट राइमिंग स्कीम जो इस पोम में यूज हुई है वो है ए डबल बी डबल सी डी, ठीक है? राइमिंग स्कीम मैंने सबको निकालनी सिखा रखी है। सो ए डबल बी डबल सी डी इज योर राइमिंग स्कीम, ठीक है? अगर फिर भी देखनी है तो देख लेते हैं। चलो ए डबल बी डबल सी डी, ठीक है? अब आप यहां सबसे पहले देखोगे, गो को हमने ए दे दिया, ठीक है? अब 11 को मैंने बी दे दिया, तो लास्ट हमें राइमिंग स्कीम निकालने के लिए बेटा लास्ट वर्ड देखना पड़ता है, ठीक है? लास्ट वर्ड। अब आप देखो, गो को ए दे दिया, 11 और गो राइम नहीं हो रहा तो बी दे दिया, 11 और हेवन राइम हो रहा है तो इसे भी बी दे दिया। जो राइम हो रहे हैं उन्हें सेम सेम लेटर देना है। अब ज्योग्राफी किसी से राइम नहीं हो रहा, सी दे दिया, ठीक है? ज्योग्राफी बी, लास्ट का राइम हो रहा है ना तो इसे भी सी, और डी को डी दे दिया, ठीक है ना? डे को डी दे दिया क्योंकि वो राइम नहीं हो रहा। सो ए डबल बी डबल सी डी इज योर राइमिंग स्कीम व्हिच हैज बीन फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर पोम, ठीक है बेटा? सबके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगी, बट उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वो टेलीग्राम का ही है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? हैप्पी टीचर्स डे मैम, थैंक यू। कल है वैसे बेटा। श्रेया, अगर पोएटिक डिवाइसेस में प्रॉब्लम है तो चैनल के ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर केवल पोएटिक डिवाइसेस का ही डाला हुआ है, उसे देखो बेटा। थोड़ा सा तो आपको हार्डवर्किंग करना पड़ेगा, है ना? हार्डवर्किंग होना पड़ेगा, सॉरी, हार्डवर्क करना पड़ेगा बेटा, लेक्चर तो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो रिफ्रेन। रिफ्रेन क्या होता है बेटा? एक ऐसा फ्रेज जो बार बार पोम में रिपीट हो रहा है। अब आप देखोगे, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो और वाज दैट द डे, ये बार बार ही फ्रेज ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है, है ना? हर स्टैंजा में रिपीट हो रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रेन, याद रखना। नेक्स्ट इंडिविजुअलिटी भाई यूज हुई है, क्योंकि स्टैंजा 3 में पोएट को रियलाइज हो रहा है कि वो अपना दिमाग खुद से यूज कर सकता है, उसके पास अपने अपने थॉट्स हैं, है ना? अपना दिमाग है, अपने डिसीजन ले सकता है। सो दिस इज व्हाट अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट एंटीथीसिस। एंटीथीसिस क्या होता है, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? जब भी बेटा दो अपोजिट वर्ड्स यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीमोरॉन भी तो यही होता है ना? बोलोगे कि नहीं, ऑक्सीमोरॉन भी तो यही होता है। ऑक्सीमोरॉन होता है बेटा एक ही फ्रेज, प्रिटी अगली, एक ही फ्रेज मान के यूज किया है, अपोजिट है। बट यहां पर क्या है, दो अलग अलग चीजें अपोजिट लिखी गई हैं। हेल और हेवन अपोजिट है आपस में, है ना? वो एक फ्रेज की तरह नहीं लिखा गया, तो इसीलिए इसको बोलेंगे एंटीथीसिस, ठीक है? दो अपोजिट कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, सो दैट इज योर एंटीथीसिस। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। ये हम सबको पता है, जब भी स्टार्टिंग का इनिशियल लेटर बार बार रिपीट होता है, तो ये आप देख सकते हो कुछ वर्ड्स है, द टाइम में टी टी,
यहाँ पे MM, है ना, यहाँ पे WW, यहाँ पे TTH, तो यहाँ पर हमारा एलिट्रेशन यूज हुआ है। नेक्स्ट, अब आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो, फिर हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर पे बढ़ेंगे। व्हाट इज द पोम चाइल्डहुड अबाउट? ये जो हमारी पोम है चाइल्डहुड, ये किसके बारे में है? जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट से फटाफट से। मैम टुडे इज माई बर्थडे, हैप्पीएस्ट बर्थडे देव, गॉड ब्लेस यू बच्चे। गाइस जल्दी जल्दी जवाब देना है, हम लोग फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पे बढ़ेंगे। जो बच्चे ये रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो थोड़ा सा स्किप कर लेना, आगे पहुंच जाना सीधा, टाइम मत वेस्ट करना, स्पीड बढ़ा लेना। हां जी, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड ऑफ एवरी पर्सन, चाइल्डहुड ऑफ पोएट्स चाइल्ड या पोएट्स फादर, चाइल्डहुड ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, पोएट्स लॉस्ट चाइल्डहुड। नेक्स्ट, आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड? कौन सी एज के बाद बच्चों पोएट को रियलाइज हो रहा है कि भाई शायद उसने अपना जो चाइल्डहुड है बच्चों वो कहीं ना कहीं खो दिया है? कौन सी एज के बाद उसको इस चीज का रियलाइजेशन हो रहा है बताओ? 12, 11, 10, 13। Yes, very good. The correct answer is 11. है ना, बोला था ना उसने, क्या भाई वो एज थी जब मैं 11 साल से ऊपर हो गया, right? Next question. What the poet could not find in the geography book? कौन सी चीज बच्चों poet को geography books में नहीं मिली? कौन सी book? कौन सी चीज उसे geography books में नहीं मिली? Hi ma'am, आपका कोई crash है? क्रैश है बेटा, आप बोलना क्रश चाहते थे बट आपने एक्चुअल में मेरी भावना रिवील कर दी। हर क्रश ने मुझे क्रैश ही किया है, तो अब मेरा कोई क्रश नहीं है। चलो, हाँ जी, मैं इन सबसे ऊपर उठ चुकी हूँ, अब मैं सिर्फ सुबह ब्रश करती हूँ और काम पे निकल जाती हूँ, कोई क्रश नहीं। नो क्रश, जस्ट ब्रश योर थॉट्स। Yes, hell and heaven. चलिए अब बच्चों आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स पर आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई यहां पर ना उसने आपको तीन वर्ड्स दिए, आपको बताना है कि सही स्टैंजा कौन सा है। सो इंडिविजुअलिटी कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है भाई? थर्ड स्टैंजा से, है ना, जब वो बोल रहा है ऐसी लाइंस कि माय माइंड वाज रियली माइन, क्या मेरा जो माइंड है वो खुद का मेरा ही है ना, ये चीज मुझे रियलाइज हुई कि मेरे थॉट्स मेरे हैं, राइट? तो इस स्टैंजा से, थर्ड स्टैंजा से इंडिविजुअलिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। रैशनलिज्म की बात करें तो वो फर्स्ट स्टैंजा से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, कि वो लॉजिकल थॉट्स लगा रहा है कि भाई हेल और हेवन तो ज्योग्राफी बुक्स में है ही नहीं। और अगर हम हिपोक्रेसी की बात करें, यानी कि ढोंग पाखंड, ये सब चीजें कौन से स्टैंजा में रिफ्लेक्ट हो रही है? सेकंड स्टैंजा, जिसमें वो बात कर रहा है कि भाई जो एक्चुअल में अडल्ट्स हैं वो जो दिखते हैं वैसे होते नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो, पोम के अकॉर्डिंग ग्रोइंग अप प्रोसेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड है? So, देखो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द पोम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व्स अटेनिंग मैच्योरिटी एंड बिकमिंग अ रैशनल एंड लॉजिकल थिंकर। है ना, जब आप बच्चे होते हो ना तो आप हर चीज दिल से सोचते हो, राइट? बट जब आप बड़े होते जाते हो, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो, आपका जो मैच्योरिटी लेवल है वो बढ़ता जाता है ना, और आप अपने दिमाग से लॉजिकली सोचना शुरू करते हो। तो एक तो ये चीज हो गई। जब पोएट अडल्ट हो गया, ही वॉज एबल टू सी द हिपोक्रेसी, तो उसे जब दूसरे लोगों का ढोंग भी शुरू मतलब देखने लगा वो, है ना, उसे समझ में आने लगा, उसे हिपोक्रेसी समझ में आने लगी, वो डिस्टिंग्विश कर पाता था, यानी कि अंतर देख पाता था कि वो लोग असली कौन है और जो लोग बोलते कुछ है और करते कुछ है वो कौन है। अ ग्रोन अप कैन टेल अ डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, मैच्योर पर्सन स्ट्रेसेस हिज थॉट्स एंड कैन हैव हिज ओन ओपिनियन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, प्लीज इसको ध्यान देना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड? चाइल्डहुड के प्रति बच्चों पोएट की क्या फीलिंग है ये हमें बताना है।
So the poet is disappointed and puzzled by the loss of his childhood. बहुत ही ज़्यादा disappointed है, निराश है, puzzled है ना कि उसका childhood जा चुका है. And he wanted to know when the moment, और वो उस moment को जानना चाहता है कि भाई मेरा childhood कहाँ चला गया, मैं कब एक grown up बन गया, वो innocence मेरी कहाँ चली गई. तो वो अपनी ये confusion हमें दिखाता है बार 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 same question पूछ के कि when and where did his childhood go. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड व्हाई. आपके हिसाब से सबसे ज्यादा पोएटिक लाइन्स कौन सी हैं एंड क्यों. तो आप बोल दोगे कि भाई ये वाली सबसे पोएटिक लाइन्स है कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस दैट्स ऑल आई नो द पोएट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्स द डिसअपियरेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड. नेक्स्ट, अब आप इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे कि भाई वो बताता है कि कैसे आप इनोसेंस को ढूंढ सकते हो एक छोटे बच्चे के चेहरे पे, है ना. इट इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ. बच्चों ये लाइफ की प्रोसेस है कि एक इंडिविजुअल बड़ा भी होगा, है ना, धीरे धीरे अंडरस्टैंड भी करने लगेगा ये पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट, ये लोगों का कॉन्सेप्ट. क्योंकि बचपन में क्या होता है, एक जो पर्सन है वो उन चीजों पर बिलीव कर लेता है दैट अरेंट ट्रू, जो सच नहीं है, राइट. When the child grows up, जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसका खुद का दिमाग काम करने लगता है. He processes his own thoughts and he realizes कि many things don't exist in the way जो उसने सोचा था. ठीक है, तो ये सेम चीज बार 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 रिपीट होगी, बट इसे रिपीट करने के लिए बच्चों एटलीस्ट आपको एक बार तो सोचना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट. आप कुछ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके. ठीक है, तो ये पहला कॉम्प्रिहेंशन है आपके आगे, ये वाला जिसमें उसने हेल और हेवन की बात करी थी. ठीक है, नंबर वन. सो यहां पे लिखा है नेम द पोएम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज टेकन एंड हु इज द पोएट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्कर में आ सकता है. याद रखना कि भाई चाइल्डहुड पोएम है, मार्कस नेटन ने इसको लिखा है. अब भाई पोएट को क्या लगता है, उसने अपना चाइल्डहुड कब खो दिया. तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर स्टैंजा अगर आप देखो, जब वे 11 साल का था, है ना, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि एट द एज ऑफ 11 द पोएट, यहां पे थिंक्स होगा, द पोएट थिंक्स दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. गाइस समझ भी आ रहा है या मैं ऐसी बोले जा रही हूं. हां जी, समझ भी आ रहा है आप लोगों को कि नहीं. कोई कमेंट सेक्शन में जोश नहीं है, यस मैम, नो मैम, कुछ नहीं है. कैसे चलेगा फिर बताओ. फिर तुम लोग बोलते हो कि मैम लाइव क्लास लो, इससे अच्छा तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर भिजवा देती, आराम से देख लेते, अभी तक खत्म भी हो जाता क्लास 25 मिनट के अंदर, पोम खत्म. लाइव भी आओ, तुम लोग आधा तो आओगे नहीं, आओगे तो कोई जोश नहीं, खुद से कुछ क्वेश्चन नहीं, ऐसे मजा आता है. हाँ, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट हेल एंड हेवन नाउ. अभी पोएट का क्या ओपिनियन है बच्चों. सो भाई चाइल्डहुड में पोएट को लगता था कि हेल और हेवन है, क्योंकि सब बोलते थे स्वर्ग है नर्क है. बट अभी उसे क्या लगता है, अभी उसे क्या लगता है, अभी उसे लगता है कि ये चीजें तो ज्योग्राफी बुक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती. सो पोएट नाउ थिंक्स दैट हेल एंड हेवन डू नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस ग्लोब, सो दे कांट बी फाउंड ऑन ज्योग्राफी. इट शोज दैट ही हैज बिकम रैशनल, यानी कि वो लॉजिकल बन गया है. अगर ये आए कि ये स्टैंजा किसके बारे में बात करता है, तो याद कर लो, बार बार बता रही हूं. क्या समझ नहीं आया प्रतिभा पांडे, बताओ मेरे को. बेटा मैं इसलिए नहीं सुन पा रही क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतिभा, है ना. आप बोल रहे हो मैं कब से बोल रही हूँ मैम, आप सुन नहीं रहे हो बेटा, आवाज ही नहीं आ रही ना. आप देख नहीं रहे हो बोल सकते हो, और मैं देख इसलिए नहीं रही हूँ बिकॉज मेरा फोकस यहाँ है. तो मैं एक टाइम पर नहीं तो यहाँ देख सकती हूँ, नहीं तो कैमरा में, नहीं तो आपके कॉमेंट में. तो जब मैं पूछू कि समझ में आया कि नहीं, तो आप अपना डाउट बता दिया करो. अभी आप बताओ एग्जैक्ट चीज के मैम मुझे ये समझ में नहीं आया. ठीक है, ठीक है बेटा, शिवांगी में करा दूंगी सेंट्रल आइडियाज. ऑल राइट,
सो व्हाट डज द स्टैंजा टॉक अबाउट, अगर ये क्वेश्चन आए तो याद रखना रैशनलिज्म, ठीक है, ये वाला जो स्टैंजा है स्टैंजा वन रैशनलिज्म के बारे में बात करता है, ठीक है, किसके बारे में, रैशनलिज्म के बारे में बात करता है। ओके बेटा मनमीत प्लीज चैनल को देखो यार, तुम इलेवेंथ वाले बच्चे ना सही में इतने बच्चे हो गए हो, टेंथ वालों से भी ज्यादा बच्चे हो गए हो। प्रतिभा बेटा इस लाइन का आंसर नहीं है मेरे पास सही में, सॉरी मेरे पास सही में इसका आंसर नहीं है, जब तक आप मुझे बताओगे नहीं मैम क्या समझ नहीं आया, आई कांट हेल्प इट। क्लास इलेवेंथ का चाइल्डहुड पोम पढ़ा रही हूँ बेटा, इतना तो आपको पता होना चाहिए, नीचे लिखा ही है यार टाइटल में चाइल्डहुड पोम, इतना तो देख लिया करो। और प्लीज चैनल पर देखो यार, हर चैप्टर का वन शॉट है, हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखे हैं क्लास इलेवेंथ के लिए। तुम लोग बोल रहे हो पेपर आ रहे हैं मैम कुछ तुम देखो तो सही, मैं इलेवेंथ का कंटेंट डाल रही हूँ पर तुम नहीं देख रहे हो यार, तुम हफ्ते में एक बार आते हो चैनल पे फिर तुम बोलते हो मैम कुछ कराओ, ऐसे नहीं होगा, मैं तो रोजाना ही करा रही हूँ, तुम लोग देख नहीं रहे हो। द प्रॉब्लम इज दैट लिटररी डिवाइसेस का अलग लेक्चर डाला है वो नहीं देख रहे हो, हर एक चैप्टर का वन शॉट डाला है वो नहीं देख रहे हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली क्लास इलेवेंथ डाला है वो नहीं देख रहे हो, बताओ और क्या करना है बताओ। बेटा ये पोम है आपकी, अब इतना तो आप बुक खोल के भी देख सकते हो बेटा, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला कौन सा, ये नेम द पोम फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, बेटा ये तो सिंपल है, ये आपका चाइल्डहुड पोम से लिया गया है, मार्कस नेटन ने लिया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है पोएट को कब लगता है उसने अपना चाइल्डहुड खोया, तो आप बोलोगे एट द एज ऑफ 11, है ना, यही हमारे फर्स्ट स्टैंजा में मेंशन है कि 11 साल का जब वो हुआ तब उसे लगा कि भाई उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई आपको क्या लगता है कि पोएट को हेल और हेवन के बारे में वो क्या सोचता है और क्यों सोचता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई बचपन में पोएट को लगता था कि हेल और हेवन एग्जिस्ट करता है जहां पर लोग मरने के बाद जाते हैं, बट पोएट को अब लगता है कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि वो ज्योग्राफी में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है समझ में आया। अभी किसके बारे में बात हो रही है इस पूरे स्टैंजा में, रैशनलिज्म यानी कि लॉजिकल थॉट के बारे में, कि अब वो अपने दिमाग से समझ पा रहा है, ठीक है। बुक नहीं है, रुको भाई फिर मैं बता देती हूं, अगर बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, जस्ट अ सेकेंड, चैप्टर 6 है बेटा आपका, ठीक है चैप्टर 6, ऑल राइट, चलिए सेंट्रल आइडिया का मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी, सारी पोम्स का सेंट्रल आइडिया मैं उसमें डाल दूंगी, ठीक है। और बेटा राघव लिटरेरी डिवाइसेस नहीं आते क्या करूं, तो उन्हें सीखो, लिटरेरी डिवाइसेस का एक अलग से लेक्चर मैंने बनाकर डाल रखा है चैनल पे, उसी के साथ साथ हर कविता में मैं आपको लिटरेरी डिवाइस सिखाती हूँ, जो आपकी शुरू शुरू की पोम्स है उसमें डिटेल में बताया है, तो उन लेक्चर्स को ध्यान से देखो, कोई चीज नहीं आती तो वो सीखने से ही आएगी, आप अगर किसी चीज को बार बार बोलोगे नहीं आता नहीं आता, तो अब अगर मैं यहाँ पर बैठ के बोलूं मुझे यूपीएससी नहीं आता नहीं आता, तो वो कैसे आएगा, वो अपने आप चल के थोड़ी आएगा मेरे घर पे, है ना, मैं जब किताबें लाऊंगी पढ़ूंगी अपना दिमाग उसमें डालूंगी तभी मुझे वो चीज आएगी, राइट। तो पॉइंट इज कि जब आप करेंगे तभी वो आएगा, करे कहां से, डाल रखा है मैंने चैनल पर, प्लीज करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा है व्हाट डू एडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ, ये हमें स्टैंजा दे रखा है जिसमें लाइन है दे टॉक ऑफ लव प्रीच ऑफ लव, यही पूछा है कि बड़े लोग किसके बारे में बात करते हैं,
सो आप बोलोगे द अडल्ट्स टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, बड़े लोग प्यार के बारे में बात करते हैं बट एक्चुअल में प्यारे होते नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डू अडल्ट्स बिहेव, बड़े लोग बिहेव कैसा करते हैं, दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, प्यार से बिहेव एक्चुअल में नहीं करते. नेक्स्ट अगर आप देखोगे बेटा, ऑल राइट, आर दी अडल्ट सिंसियर इन देयर वर्ड्स, वाई, बोला है क्या जो बड़े लोग बोलते हैं वो वही करते हैं, तो आप बोलोगे नो, दे डिडंट एक्ट एज दे प्रीच, वो बोलते तो हैं, हमें सिखाते तो हैं प्यार से रहो ऐसे रहो, बट एक्चुअल में वो खुद डबल फेस होते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है. अब इस पर्टिकुलर स्टैंजा में किसकी बात हो रही है, तो जहां पर भी अडल्ट्स आप देखोगे, यहां से याद रखना, इस पूरे स्टैंजा में हिपोक्रेसी ऑफ अडल्ट्स की बात हो रही है, ढोंग की बात हो रही है. ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपको पोम एंड पोएट का नाम बताना है तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो, चाइल्डहुड एंड मार्कस नेटिन. नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट वंडर अबाउट इन दीज लाइन, पोएट इन लाइन में क्या सोच रहा है, तो आप देख सकते हो वो इन लाइन में सोच रहा है कि भाई मेरा दिमाग मेरा खुद का था, मेरे थॉट्स मेरे खुद के थे, तो यहाँ आप लिख सकते हो वंडर्स अबाउट व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. ठीक है, क्या वंडर कर रहा है ओवरऑल कि भाई कब उसने अपना चाइल्डहुड खोया. नेक्स्ट, What does the poet mean? My mind was really my own. इस लाइन का बच्चों यहाँ पर क्या मतलब है? So आप बोलोगे that he can think independently. इस लाइन का मतलब है कि वो अपना अलग से सोच सकता है. उसे किसी और की जरूरत नहीं अपने डिसीजन लेने के लिए. Can produce ideas without influenced by others. कि किसी और की जरूरत नहीं है कि कोई उसे इन्फ्लुएंस करे कि भाई तू ऐसा कर. नहीं. पोएट बोल रहा है कि मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरे पास मेरा खुद का दिमाग है और मैं अपने डिसीजंस खुद से ले सकता हूं. ठीक है बेटा, क्लियर. नेक्स्ट, व्हेन डज द पोएट थिंक ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, पोएट को क्या लगता है उसने अपना चाइल्डहुड कब खोया, तो आप बोलोगे पोएट को इस स्टैंजा में लगता है व्हेन ही फाउंड दैट हिज माइंड वॉज रियली हिज ओन, जब उसे ये पता चला कि उसका दिमाग उसका खुद का है एक्चुअल में, वो अपने आइडियाज खुद प्रोड्यूस कर सकता है, तब पोएट को लगता है कि तब शायद मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया. क्लियर है एवरीवन? चलिए नेक्स्ट, अगेन पोएम एंड पोएट का नाम. नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट वंडर अबाउट इन दीज लाइन, इस लाइन में पोएट क्या सोच रहा है, तो इस लाइन में पोएट सोच रहा है वेयर इज चाइल्डहुड हैज गॉन, कि उसका चाइल्डहुड एक्चुअल में कहां पर चला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did the poet's childhood go according to him? कहाँ चला गया बच्चों उसका childhood? तो आप बोलोगे it went to a forgotten place. आपको stanza के हिसाब से answer देना है, इस बात को याद रखिएगा. ठीक है, अलग अलग stanza में poet के अलग अलग thoughts से अलग अलग विचार है, तो stanza के हिसाब से आपको answer देना है. ठीक है, इन्फ्लुएंस करना मतलब किसी को बहका देना, अपनी बातों में ले आना, अपनी बात मनवा लेना, अपने thoughts उस पे थोप देना. ठीक है बेटा, नेक्स्ट, फॉरगॉटन प्लेस कहाँ है जहां उसका चाइल्डहुड चला गया, छोटे बच्चे की शक्ल है ना, इन्फेंट्स फेस. इन लाइन से बच्चों पोएट क्या कन्वे करना चाहता है, सो पोएट कन्वे करना चाहता है दैट लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज द लॉस ऑफ इनोसेंस, कि अगर हमारा चाइल्डहुड चला गया, बचपन चला गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों हमने इनोसेंस भी खो दिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अगेन एंड अगेन, कौन सा क्वेश्चन है जो पोएट यहाँ पर बार बार पूछ रहा है, तो आप बोलोगे कि भाई पोएट बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, वो बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई मेरा चाइल्डहुड कहाँ गया, कब गया. ठीक है, नेक्स्ट, पोएट ने डिस्कस करी है दो स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड और अडल्टहुड है ना, एक बचपन एक बड़ा होना. How do we differentiate? हम इन दोनों को कैसे differentiate कर सकते हैं? तो overall बच्चों आप यहाँ पर एक difference create कर दोगे कि भाई childhood में क्या होता है, सारी चीजें हमें अच्छी दिखती हैं, एक blissful period होता है, blissful मतलब happy period होता है, जहाँ पे एक बच्चा easily किसी पे भी trust कर लेता है, भरोसा कर लेता है, right बेटा? पर जब एक अडल्टहुड होता है, यानी कि जब हम बड़े होते हैं, तो that is marked by rational and creative thoughts. उसमें हम logical हो जाते हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते. ठीक है, हाँ, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, हम नई चीजें सीखते हैं, हम ये भी सीखते हैं कि कैसे डबल फेस होते हैं, कैसे लोग दो चेहरों के साथ
जीते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज व्हेन ही क्रॉस द एज ऑफ 11 इयर्स। जब पोएट ने बेटा 11 इयर्स की एज क्रॉस कर ली तो उसने क्या रियलाइज करा? उसने रियलाइज करा दैट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना बचपन खो दिया है और डेवलप कर लिया है अपने खुद का दिमाग। उसने ये भी फाइंड आउट किया कि हेल और हेवन एग्जिस्ट नहीं करते, सो द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हेल एंड हेवन। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द पोएट कंक्लूड दैट हेल एंड हेवन वर इमेजिनरी प्लेसेस। पोएट यहां पर ऐसे कैसे कंक्लूड करता है बच्चों कि हेल और हेवन दोनों ही इमेजिनरी प्लेसेस हैं? तो आप बोलोगे भाई क्योंकि ज्योग्राफी बुक्स में तो नहीं है इनके नाम, ना ही ये लोग ग्लोब पे या मैप पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हमारा जो पोएट है वो कंक्लूड करता है बच्चों कि हेल और हेवन एक्चुअल में नहीं है। नेक्स्ट, हाउ डिड अडल्ट सीम टू द पोएट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। बोला है बच्चों जब हमारा पोएट एक बच्चा था तो उसे अडल्ट्स कैसे लगते थे? तो आप बोलोगे भाई सारे अडल्ट्स उसे लगते थे कि बिल्कुल प्यार की मूरत है, सिंसियरिटी की मूरत है, इनसे परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, है ना। उसे बिलीव होता था कि इनका प्यार सच्चा है एंड दे वर रेडी टू डू एनीथिंग फॉर देयर लव्ड वंस। तो बचपन में हमें भी ऐसी लगता है सबको देख करके, एक हैप्पी है सब लोग प्यारे हैं, बट एक्चुअल में बच्चों ऐसा होता नहीं है। ठीक है गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर पोम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखी हुई है। ये पीपीटी मैं आपको दे दूंगी टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। इज इट क्लियर गाइस? जल्दी से बता दो फिर हम एंड करते हैं हमारी आज की क्लास को। हाँ जी, सभी को क्लियर है? मैं ना एक काम करती हूँ, जाते जाते ना तुम बच्चों को ना मैं दिखा के जाती हूँ कि तुम लोग जो आधे नींद में हो ना, मुझे पता नहीं इतना गुस्सा आ रहा है तुम लोगों पे कि तुम्हें होश ही नहीं है कि मैम ने चैप्टर डाल दिया है। बार बार ही बोल रहे हो कि मैम चैप्टर डालो, तुम्हें पता ही नहीं है कि मैम चैप्टर डाल चुकी है कि नहीं डाल चुकी है। बेटा आप इस पे जाएंगे, ठीक है, यहां जाएंगे वीडियोस पे, वैसे तो प्लेलिस्ट भी बनी है क्लास 11th की, ठीक है। अब आप यहां से देखना शुरू करिए, आपका हिस्ट्री का है नोमैडिक एम्पायर, ठीक है, उसके बाद आप लोग देखना शुरू करिए। ये देखिए डिस्कवरिंग ट्यूट क्लास 11th का वन शॉट, ठीक है। इसी के साथ जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे, क्लास 11th मदर्स डे, ठीक है, पोस्टर मेकिंग, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है, उसके बाद क्लास 11th द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वन शॉट, उसके बाद द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स क्लास 11th, क्लास 11th हाफ ईयरली एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों के ये डाल रखे हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर आप लाइव वाले सेक्शन पे जाओगे तो अगर आप लाइव क्लासेस में भी देखोगे, क्लास 11th द लिबर्नम टॉप, ठीक है, क्लास 11th मेंटी क्विज टॉप 20 क्वेश्चन, क्लास 11th द वॉइस ऑफ द रेन, क्लास 11th इंग्लिश सुपर 30 क्वेश्चंस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, क्लास 11th नोट मेकिंग एंड समरी, क्लास 11th द एड्रेस चैप्टर, क्लास 11th वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, क्लास 11th अ फोटोग्राफ। और कुछ दिखाना बाकी है? तो करा ही रही हूं बेटा, जैसे जैसे 10th करा रही हूं वैसे 11th के भी मैं बहुत सारे चैप्टर्स करा चुकी हूं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। बाकी हाँ, मुझे पता चला कि आपको सेंट्रल आइडिया की रिक्वायरमेंट है, वो वीडियो भी आपको एक दो दिन में मिल जाएगी, ठीक है। तो बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लासेस में आया करो, मुझे आप क्लासेस में दिखोगे तो मैं आपको और चीजें कराऊंगी ना। क्लासेस में आया करो, टेलीग्राम पे एक्टिव रहा करो, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल पे एक्टिव रहा करो ताकि आपको पता चले। अभी भी मैं लिख कर दे सकती हूँ ये नोट मेकिंग एंड समराइजेशन, ये देख लो 1.6K व्यूज है, देखी ही नहीं आपने वीडियो अभी तक, बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो बेटा प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो, ओके, चलिए। सो आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।